मोबाइल से डोर लॉक ओपन करता हूँ, लॉक खुल गया अपना ये। कार से डोर लॉक ओपन करता हूँ, लॉक खुल गया। पुश बटन से ऑन करता हूँ, लॉक खुल गया। दोबारा मोबाइल से खोलता हूँ, लॉक खुल गया। रिमोट से ओपन करता हूँ, लॉक खुल गया। चाहे तो नंबर दबा के खोल लो, चाहे तो कार्ड से, रिमोट से, मोबाइल से, पुश बटन से, सारे ऑप्शन आपके लॉक ओपन करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल CCTV लॉक वाला, जो कि जाना जाता है ट्रस्ट फॉर द सर्विस एंड रेस्पॉन्स के लिए। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक को कनेक्शन बताऊँगा, किस तरह से कनेक्शन करने होंगे वाईफाई से। वाईफाई की सेटिंग बताऊँगा आपको, रिमोट से डोर लॉक ओपन करेंगे हम, साथ ही हमारे पास लॉक है अपना हॉकविजन कंपनी का HVDL204 मॉडल, इसको अनबॉक्स करेंगे और साथ ही इसको वाईफाई से कन्फिगर करेंगे, किस तरह से खुलता है, क्या फंक्शन रहेंगे, क्या कनेक्टिविटी रहेगी, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। ऑलरेडी मैंने मेरे पर लॉक लगा हुआ है ये, इसको मैं कार्ड डिवाइस से ओपन करूँगा। प्रोग्रामिंग मैंने करी हुई है, कार्ड मैंने सेट किया हुआ है, कार्ड लगा के डोर लॉक खुल गया अपना ये। रिमोट से ओपन करूँगा, रिमोट से डोर लॉक खुल गया। जो रिमोट है अपना ये वाईफाई किट है प्लस रिमोट किट है इंक्लूडिंग पावर सप्लाई, तीनों का कॉम्बिनेशन इसे एक सप्लाई के अंदर बनाया है हमने। रिमोट से भी डोर लॉक खुलेगा, मोबाइल से भी डोर लॉक खुलेगा अपना, साथ ही कार्ड एक्सेस डिवाइस से भी डोर लॉक ओपन होगा। अब नंबर दबा के डोर लॉक खोलता हूँ, ग्रीन लाइट हो गई, 2 सेकंड किया हुआ हम टाइमिंग इसकी, हमने लॉक खोल रहा है अपना ये। प्रोग्रामिंग ऑलरेडी इसकी करी हुई है, आपको कंप्लीट वीडियो की प्रोग्रामिंग देखनी हो, प्रोग्रामिंग सीखनी हो, समझनी हो, हमारी नेक्स्ट और वीडियो दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप चैनल पे जाके। अब जो है वाईफाई डिवाइस को मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद कॉन्फ़िगर करेंगे इस डिवाइस को, हम वाईफाई डिवाइस को अपने वाईफाई से। मोबाइल पे पहले प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, अपनी स्मार्ट लाइफ ऐप जो कि मैंने ऑलरेडी करी हुई है, ये अपना स्मार्ट लाइफ ऐप है। सर्च करेंगे स्मार्ट लाइफ लिख के, ये अपना आइकन बना रहा है स्मार्ट लाइफ स्मार्ट लिविंग, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करी हुई है, चाहे तो आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, दोनों पे अवेलेबल है ये। इसको ओपन करेंगे हम स्मार्ट लाइफ ऐप को, ओपन किया मैंने, लॉगिन आईडी ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है मैंने। इसमें जो अकाउंट क्रिएट होगा अपना मेल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट होगा, जो भी इसका पासवर्ड रखेंगे आप उसको डिफरेंट रखना अपने एक्चुअल ईमेल आईडी से, चाहे तो रेडिफ मेल की ईमेल आईडी हो, याहू की ईमेल आईडी हो, जीमेल की ईमेल आईडी हो, किसी भी ईमेल आईडी के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, होगा ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्फ़िगर ये। एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ अब मैं, सबसे पहले राइट साइड टॉपिक क्लिक करूँगा प्लस वाले साइन पे, यहाँ पे अपना ऐड डिवाइस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। सेटिंग आ रही है, सेटिंग में क्लिक करूँगा। लोकेशन में जो इनेबल करनी पड़ेगी, जब भी मैं एप्लीकेशन यूज़ करूँगा, जब भी इस डिवाइस को इस्तेमाल करूँगा मैं, लोकेशन मेरी हमेशा ऑन होनी चाहिए। लोकेशन ऑन कर ली मैंने। सेटिंग करने के लिए लेफ्ट हैंड डाउन पे आएंगे, नीचे लिखा हुआ अपना अदर, अदर पे क्लिक करेंगे, फिर अपना आएगा अदर वाईफाई, अदर वाईफाई पे क्लिक करेंगे, लोकेशन को कंटिन्यू करेंगे आप। यहाँ पे है वाइल यूजिंग ऐप और ओनली दिस टाइम, इसमें करना होगा वाइल यूजिंग ऐप करना होगा, फिलहाल मैं ओनली दिस टाइम कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको वाईफाई की रेंज शो करेगा 5 GHz एंड 2.4 GHz, ये जो अपना वाईफाई डिवाइस है 2.4 GHz पे कॉन्फ़िगर होगा, 5G कॉन्फ़िगर नहीं होगा, ये अपना 4G इनेबल डिवाइस है, 5G इनेबल नहीं है। 4G से कॉन्फ़िगर होने के बाद, 4G वाईफाई से कॉन्फ़िगर होने के बाद, चाहे तो आपका इंटरनेट 4G हो, 5G हो या अदर कोई वाईफाई हो, किसी भी वाईफाई पे वर्क करेगा फिर ये, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, हर जगह से काम करेगा इंटरनेट के थ्रू। यहाँ पे वाईफाई का नाम शो करेगा, पासवर्ड डालेंगे उस पर, नेक्स्ट करेंगे, फिर आप नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पूछा आपसे ब्लिंक स्लोली ब्लिंक क्विकली, अभी जो डिवाइस है अपना कुछ भी ब्लिंक नहीं कर रहा, सिर्फ लाइट रेड लाइट आ रही है। लाइट ब्लिंक करने के लिए हमें वाईफाई का बटन है, इसको 7 सेकंड के दबा के रखना होगा हमें। यहाँ पे ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगी, फिर 7 सेकंड के बटन दबा के रख रहा हूँ मैं, ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगी। अब ये देख सकते हैं ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है अपना ये, यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है ब्लिंक स्लोली ब्लिंक क्विकली, क्विकली ब्लिंक कर रही है तो किस पे क्लिक करेंगे, क्विकली ब्लिंक पे विद इन 2 मिनट अपना डिवाइस कन्फिगर हो जाएगा वाईफाई से, लाइट बंद हो जाएगी ग्रीन लाइट, देन कनेक्ट हो जाएगा अपना ये वाईफाई। ग्रीन लाइट बंद हो गई है, वाईफाई से कन्फिगर हो गया है, कनेक्ट हो गया है, बट डन होना बाकी है, कंप्लीट होना बाकी है।
यहाँ पे डन हो गया है, डन करेंगे स्विच का बटन आ गया हमारा। ये स्विच बटन दबाने से पहले हमें इसकी टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी, मिनिमम सेकंड करना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्ट करेंगे तो हमेशा परमानेंट ऑन रहेगा, फिर मैनुअली ऑफ करना पड़ेगा आपको। टाइमिंग सेट करने के लिए टाइमर पे आएंगे, राइट साइड टॉप पे इंचिंग लिखा है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 सेकंड का मिनिमम 2 सेकंड आएगा उसको इनेबल कर देंगे हम। देन बैक आएंगे, आप स्विच को इस्तेमाल करेंगे, डिवाइस विल बी ऑफ इन 2 सेकंड। आप देख सकते हैं ये अपना वाईफाई डिवाइस है, बटन पुश कर रहा हूँ, ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है अपना, कंफिगर हो गया हमारा डिवाइस से वाईफाई से। मोबाइल से डोर लॉक ओपन करता हूँ, लॉक खुल गया अपना। ये कार से डोर लॉक ओपन करता हूँ, लॉक खुल गया। पुश बटन से ऑन करता हूँ, लॉक खुल गया। दोबारा मोबाइल से खोलता हूँ, लॉक खुल गया।